बेस्ट जीत के ही बोल स्पीड बोल जीत के ही है लेके जा रहा है चैनल मामी डॉट राहुल। तो अभी बज रहा है सुबह का 7 और अभी रेडी शेडी होके थोड़ा सा निकल रहे हैं। कल भी हम व्लॉगिंग कर रहे थे, फिर बीच में हमको रोकना पड़ा क्योंकि हम अभी जहाँ जा रहे हैं वो हो रहा है जो यहाँ का बंगाली हो वो लोग हर घर पे ये सब चलता ही होगा। दीदी नंबर वन कल अचानक से हमको कॉल आया और हम कोई भी ऑडिशन वगैरह नहीं दिए थे, तो अचानक से कॉल आके हमको बोला कि दीदी नंबर का सेट से फ़ोन किया है तो आज मेरा है प्रोग्राम है। तो हम तो पहले हम विश्वास नहीं करते, फिर मेरी मम्मी का बुआ का सबका फेवरेट शो है और प्लस हम बचपन से ये शो देखते मतलब आ रहे हैं, हमको यकीन ही नहीं हो रहा था कि अचानक से हम कोई ऑडिशन नहीं दिए ऐसे हो गया। तो हम उससे पहले तो विश्वास नहीं करते, फिर हमको विश्वास नहीं सच में हुआ है। फिर शायद भाई हमको फ़ोन करके बोला कि हाँ सच में है, फिर उनसे बात उत किए तो फाइनली अभी तो हमको कुछ नहीं पता, हम बहुत नर्वस है, हम अभी निकल पड़े हैं। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी भी है, मतलब समझा नहीं पाएंगे कितना हैप्पी है कि जो शो बचपन से देखे आ रहे हैं वो शो पे जा रहे हैं मम्मी के साथ। यस मम्मी हमको बोल रही थी कि तुम तो सब कुछ पूरा करती हो, एक चीज़ पूरा करते हो, दीदी नंबर वन पे लेके चलना, तुम तो इतना जगह जाती हो हमको उधर लेके चलना। हम बोले हाँ उधर हम जाएंगे तब ना, मतलब कभी सोच नहीं थे कि जाएंगे, चलो हम तो बहुत हैप्पी है। तो क्या होता है क्या ना होता है सब दिखाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ब्लॉग पे रहना पड़ेगा। प्यारा प्यारा मीठा मीठा कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। तो मारा को भी रेडी नहीं किया, मारा को कार में ही रेडी करेंगे क्योंकि हम लोग को जाने में अभी 1 घंटा लगेगा। चलो है ना, मतलब गाइस अभी हम लोग सेट पे आ गए और वीडियो करना मना है, गेम स्टार्ट नहीं हुआ है और उधर से जैसे ही आवाज़ आएगा मोबाइल रखो। और हमारे साथ दो मस्त दोस्त मिले, न्यू फैमिली, हम लोग आके दोस्त भी कर लिए। आज का ब्लॉग हम लोग बंगाली में करते हैं, ये बिहार मतलब जो भी बिहार में रहते हैं उनको इस शो के बारे में पता ही नहीं है, बेकार। अभी आज के बांग्ला पे ब्लॉग कर रहे हैं, ठीक है। 10 रुपया हमारे के नहीं मिली, मतलब 20 टका नहीं है क्या सर जी? ऑल द बेस्ट, जीत के ही बोल स्पीड बोल जीत के ही। आज तो हारने के लिए आए? हाँ दिए जी। ये खेलने में टाइम है, मतलब अभी जो होश करती है वो नहीं आई है। और एक खास बात बताऊँ, इनकी भी शादी 7 साल पहले हुई है और मम्मी एकदम मस्त फ्रेंड वगैरह भी बना ली है। तो चलिए अब ब्लॉगिंग करना मना है शायद, तो आई थिंक टीवी में देखना, वहाँ से क्लिप लेके आपको दिखाता हूँ मैं। शब्द चीज পাশাপাশি উপন্যাস দুটো শব্দ এবার বলো প্রিয়াঙ্কা, চশমা চামচিকে চামচিকে হলে কয় চামচিকে চামচিকে টুটা পড়ে কথা বলছো তো? যদি চশমা হয় তাহলে চামচিকে কি করে নিয়ে
গাঙ্গুরামে -10 এই রাউন্ডে গিফট কি কি আছে আছে কেক আর মোর ফ্রম দ্য হাউস অফ গাঙ্গুরাম সো তাও থেকে গিফট আমার সঙ্গে রাইস কুকার কেক বললি কেক আর মোর কফি মেকার কমন স্টিমার রোটি মেকার ট্রলি ব্যাগ ব্লুটুথ হেডফোন স্পিকার সেট বারবিকিউ গ্রিল গিজার এগ বয়লার কি আসছে প্রথম প্রশ্ন দেখো স্ক্রিন একটা করে অক্ষর নিয়ে নতুন শব্দ বানাও পরপর প্রথমে ভেড়া তারপরে মটর না বলবো তারপর এবার বলো ভেটকি 20 পয়েন্টস রাখো আপনারা দেখছেন কুক মি স্পাইস মেকার কো প্রেজেন্টস দিদি নাম্বার 1 সিজন 9 কো পার্ট বাই বসুমতী চাল এবং লিশিয়াস স্টাইল পার্টনার আদি মোহিনী মোহন কাজিলাল এটা মেমেন্টো তোমার প্রিয়াঙ্কার এটা তোমার বিনয়ের ট্রফি জি বাংলা স্যার গুগল অ্যান্ড ডায়মন্ডের তরফ থেকে ডায়মন্ড পেন্ডেন্ট বিল করেছে আজও ভালো রান্না করতে লাগে একটুখানি বসুমতী চালের তরফ থেকে 30 কেজি বাসমতী চাল বসুমতী চাল ভাতের সাথে বাকি 3 দিনের জন্য বসুমতী চালের তরফ থেকে গোবিন্দভোগ চাল মুহূর্ত চার্জের তরফ থেকে গিফট কেকার মন ফ্রম দ্য হাউস অফ গাঙ্গুরামস তরফ থেকে গিফট হ্যাম্পার সঙ্গে রাইস সকলের জন্য সুগার এন্ড স্পাইসি তরফ থেকে গিফট হ্যাপ ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রি সবাইকে আগামীকাল আবার দেখা হবে এরপরে দেখবেন দাদাকে সবাই যে যার পজিশনে দাঁড়াও প্লিজ যে যার পজিশনে দাঁড়াও দিদির থেকে সরে দাঁড়াও একটু রোল দেখা হবে সকলের সাথে আগামীকাল আজ ये भैया जी पूरा घर समेट के लेके जा रहे हैं घर बसा लिया
चलिए कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, मजा आया खेल के। राहुल और मम्मी से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, जान पहचान हुआ, मजा आया। दीदी नंबर वन, दीदी नहीं नहीं सॉरी, लेकिन ज्यादा हाथ तो है ना, नहीं सबका ही हाथ, दादा के बिना तो नहीं होता ना। लास्ट में दादा सपोर्ट नहीं किया तो चुप। कहती मैं फ्रूट्स खाती हूँ इतना, लेकिन नाम भूल गई हूँ। चलिए मजा आया खेल के, बहुत मजा आया। और अभी शेखर मम्पी लोग आ गए, मम्पी आ रहा है, हो गया फॉर्म वगैरह भर लिए। तुम्हारा कौन सा? ये तो मम्पी ने इतना सारा कुछ जीता है, थक गया है। दिन अच्छा है, गर्ल्स का क्या टोस्टर, ग्रेट टोस्टर, ये वाला मेरे को ब्रेकफास्ट बना के खिलाएगी, ये है ना, बना के खिलाएंगे। बहुत फर्स्ट टाइम सर पकार, कोई बात नहीं, तुम्हारा शौक था आने का, मम्मी का शौक, सबसे बड़ा चीज तो ये है ना। मैं तो गेम खेला, बहुत एंजॉय किया मेरा, एंजॉय किया हम तो बीच-बीच में, नहीं तो कॉमेडी सब चीज भी लगा, आप लोग बताएंगे घर जाके पूरा इस वीडियो को देखना, बहुत मजा आएगा। क्या क्या हम लोग भी काफी सरप्राइज हो कि हम लोग मतलब किसी को भी कुछ नहीं पता, सडन हुआ जो भी हुआ, बहुत सडन हुआ, तुरंत कॉल आया, घर पे जाके बताते हैं। तो गेम खेल के वापस आ गए और बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छी खेली है, एकदम लेट से आई थी बट आई एकदम वापस स्टार्ट, एकदम फायर। तो बहुत लोगों से दोस्ती भी हुई यहाँ पे, बहुत मज़ा आया। कैसा लगा आपको खेल के? माइक है यहाँ पे, अगर सुन लेगा ठीक है ना, एक लोग तो बोला भाई। और मैं बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, मुझे जो स्क्रीन पे आ रहा था बंगाली, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, और थोड़ा बहुत दिक्कत था, बाकी भाग दौड़ वाले में तो मैं था आगे, कोई दिक्कत नहीं था। और मम्मी वहाँ ड्रेस वगैरह चेंज करके आ गई है, और अभी हम लोग को प्राइज बाहर मिलेगा, वो सारा क्लिप आपको दिखाएंगे। और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, फर्स्ट एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया, और एक ब्लॉग आएगा प्रॉपर, और कहाँ पे लाइव होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए पहले थोड़ा देख लेते हैं, हम लोग जस्ट घर आ गए और बहुत ही ज्यादा थक गए, कल रात में 2 घंटा मम्मी सोने दी, जा मुझे देखो ना बाबी, देखो ना बाबे ऐसे खेला जाता है। अरे मेरे को पता है कि मुझे बंगाली नहीं आएगा, तो मुझे समझ में नहीं आएगा, खेलना पड़ेगा मम्मी को ही, बट फिर भी जो था बलून वाले में मैंने किया फर्स्ट, तो उसके बाद नाम वाला भी थोड़ा सा फास्ट हो गया, बट ठीक है, उसमें भी हम चाहते तो कर सकते थे वहाँ, लेकिन जब बंगाली में लिख रहा था तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जब मैं मम्मी को बोलता था मुझे इसका हिंदी समझो, मेरे को बोलती तुम चुप रहो मुझे समझने दो, और समझने के चक्कर में बंगाली से हिंदी ट्रांसलेट मेरे को करती ना, तो रिलेशन पूछा था आराम से बोलता मैं, ब्लड रिलेशन पूछा, ब्लड रिलेशन था। उसके बाद फिर कोई मूवी का वो सीक्वेंस देना था, पजल था, इतना पजल आराम से सॉल्व करता, हिंदी बताते तब तो, बट जो भी हुआ जीतने के लिए नहीं गए थे, बस मम्मी और मेरी सासू माँ को उधर जाना था, शौक था, बहुत दिन से देखती थी ये लोग, तो वो चीज पूरा हुआ, और बाकी अच्छा लगा, सब वहाँ पे नए नए दोस्त मिले। कब आने वाला है आज? ये आएगा संडे को 7 तारीख को, साइड आ जाएगा, आप देखिएगा, आएगा तो मैं उस दिन बता दूंगा। और जी बहुत जी बंगला में जी फाइव में आएगा, बहुत सारे गिफ्ट मिला जो कि मैंने वहाँ दिखाया भी, और हम लोग कॉमेडी वर्ल्ड में अच्छे से बताएंगे और दिखाएंगे गिफ्ट, है ना जी, क्या क्या गिफ्ट है, और अच्छा गिफ्ट है, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, मजा आया। तो आप लोग भी देशर का एक मूवी आया है प्रधान, तो जाके आप लोग जरूर देखना, बहुत ही मस्त मूवी है, जो लोग बंगाली हैं और जो जिनको जो जैसे बहुत लोगों को ना, जैसे मुझे भी बंगाली पसंद आते हैं, बहुत सॉन्ग बहुत मूवी में मम्मी के साथ कभी कभी देखता हूँ, क्योंकि इसको अच्छा लगता है, तो आप लोग जाके जरूर देखना, बहुत पोस्टर देख ही पा रहे हो साइड में पोस्टर भी है, तो आप देखना, बहुत मजा आने वाला है, और बहुत इंजॉय किया, थैंक यू सो मच दीदी नंबर वन में आप लोगों ने बुलाया और ढेर सारा प्यार दिया, सब कुछ अच्छा लगा, और ब्लॉग को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।